वेलकम बैक टू द वीडियो। और गूगल प्ले स्टोर से हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, हो ही नहीं रही है, पेंडिंग 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 आ रहा है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अनप्ले स्टोर से एप्लीकेशन कैसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। छोटा सा प्रोसेस है, सारी चीजें इसी वीडियो में बता दूंगा और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बिना स्किप किए करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। और वीडियो पसंद आई वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। और बात कर लेते हैं कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप मेरे साथ उन्हें फॉलो कर लेना। और उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहां से आगे हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, अब आप देख सकते हो क्या नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, प्ले स्टोर से जब भी मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश करता हूं, वेयर इज माय प्ले स्टोर, हियर इट इज, एंड इसे इंस्टॉल करके बस यही आएगा, पेंडिंग 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 पेंडिंग, और कुछ नहीं आता, हमेशा पेंडिंग आता रहता है। अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण है, मैं वो बता देता हूँ कि क्यों ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है। ओके, आपको यहाँ से बैक जाना है, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल के आइकन में। पुराने अपडेट में तो यहाँ पे 3 लाइन्स दिख जाती थी। ओके, अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। पुराने अपडेट में यहाँ पे तो 3 लाइन दिख जाती थी, लेकिन वो अब है ही नहीं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी प्रोफाइल के आइकन पे। ओके, यहाँ पे हम जैसे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, राइट। आपको सेटिंग्स पे जाना है एंड यहीं से ही सारी चीज़ें होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप मेरी वीडियो किसी और फोन में चला लो और मेरे साथ साथ ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरल, नेटवर्क प्रेफरेंस, ऑथेंटिकेशन, फैमिली एंड अबाउट। तो अभी हमें जाना है जनरल में एंड यहाँ से हमें चेक करना है अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे पहले तो जो हमारी हिस्ट्री है हमें उसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले नीचे जाओ हल्का हल्का एंड यहाँ पे आपको एक क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। ये रहा, आपको यहाँ पे टैप करना है एंड क्लियर हिस्ट्री कर दो। सर्च हिस्ट्री क्लियर हो गई है। नेक्स्ट विश लिस्ट भी है, इसको भी क्लियर कर दो। ओके, विश लिस्ट यहाँ से हम लोग क्लियर कर देते हैं, विश लिस्ट इज क्लियर। ओके, एंड इन केस इफ आपने किसी भी ऐप का या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का बीटा वर्जन ज्वाइन किया हो, यहाँ पे जैसे बीटा का हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बीटा में बग्स आते रहते हैं आए दिन एंड दिक्कत हमेशा बीटा में ही आती है। ओके, तो हम यहाँ से इसको लीव कर देते हैं, ऑल बीटा लीव आप कर देना, यहाँ से लीव कर देना। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे तो वीडियो बनानी होती है, मुझे नए नए अपडेट्स मिल जाए, इसलिए मैंने बीटा ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो आप यहाँ से लीव कर देना। तीन चीज़ आपको ये करनी है, ये तीन चीज़ याद रखने हैं एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब नेटवर्क प्रेफरेंस में आपको आना है। जैसे आप नेटवर्क प्रेफरेंस में आओगे, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होंगी ओवर वाईफाई, ओवर नेटवर्क, एनी नेटवर्क। ओके, दो ऑप्शन मिलेंगे, ओवर वाईफाई, ओवर एनी नेटवर्क, जो मोबाइल नेटवर्क होता है। सीन क्या होता है, कभी कभी हमारा जो ये एप्लीकेशन है ये अपडेट हो जाती है प्ले स्टोर वाली एंड इसकी वजह से ये सिर्फ इसी पे या प्रेफरेंस हमारी चेंज हो जाती है। अब आप देख सकते हो मैं कुछ भी डाउनलोड करूंगा मेरा ओवर वाईफाई ओनली लिखा हुआ है। ओके, तो मेरा सिर्फ वाईफाई पे ही डाउनलोड होगा, मोबाइल नेटवर्क पे होगा या जिनके पास वाईफाई नहीं उनके तो एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको इसे ओवर वाईफाई ओनली की जगह आपको करना है ओवर एनी नेटवर्क, राइट। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है ओवर एनी नेटवर्क एंड यहाँ से इसे कर दो डन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो अपडेट एप्लीकेशन, ये ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर टैप करो। ये डोंट ऑटो अपडेट है, आप नहीं चाहते कि मेरी एप्लीकेशन ऑटो अपडेट हो तो आप इसको डोंट ऑटो अपडेट रखना। बहुत एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट अपडेट आते रहते हैं एंड उसी के बाद ये दिक्कत होती है, बग्स आते हैं किसी एप्लीकेशन में और हमारी एप्लीकेशन तो बैकग्राउंड में अपडेट हो जाती है। ओके, तो आप इसको बंद ही रखो तो ही अच्छा है, अदरवाइज आपको इसको करना है ओवर एनी नेटवर्क, राइट। तो ओवर एनी नेटवर्क अभी के लिए करके देख लेना ताकि आपकी जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड हो जाए, डन। ये कर दिया आपने, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमने सारी सेटिंग्स कर ली है, अब आपको जाना है बैक। ओके, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, प्ले रिले सब बंद कर देना। पेरेंट एंड कंट्रोल आपने कुछ लगाया हुआ है तो आप देख लेना। ओके, पेरेंट एंड कंट्रोल ये कोई ज़रूरत नहीं इसको कुछ करने की। अब आपको अबाउट में आना है। ओके, अबाउट सेक्शन में जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, अपडेट प्ले स्टोर। इफ आपका प्ले स्टोर ही आउटडेटेड है तो वो एप्लीकेशन ही डाउनलोड कहाँ से होंगे उसमें, तो आप चेक कर लेना कि आपका जो प्ले स्टोर है वो अपडेट है या नहीं है। मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, मेरा प्ले स्टोर जो है वो अप टू डेट है, यहाँ पे आप देख लो। ओके, अगर आपका अप टू डेट नहीं है तो इसे अपडेट कर लो अभी, गॉट इट। तो हम इसे अपडेट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको एक सेटिंग और करनी है, उसके साथ साथ मेरे साथ ही फॉलो कर लो स्टेप्स को। बैक जाना है, यहाँ से मिनिमाइज कर दो, हमें जाना है मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में, एंड्रॉइड में जाने, एंड्रॉइड में सेम ही सेटिंग्स होती है ऑलमोस्ट। एंड्रॉइड में रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया या जितने भी मतलब एमआई के सारे फ़ोन एंड्रॉइड के ऑलमोस्ट सेम ही सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पे हमें नीचे जाके आपको सर्च करना है ऐप्स,
ओके तो एप्स मैनेजमेंट में आ जाओ, किसी में एप्स मैनेजर होता है, किसी में एप्स मैनेजमेंट होता है, किसी में एप्स होता है, तो मेरे में जैसे एप्स मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे हमें एप्स मैनेज पे जाना है, मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमें सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर, ओके, या आप ढूंढ लेना नीचे कहीं जाके ऐसे जी पे आपको मिल जाएगा। बच्चों के साथ साथ मैं गूगल प्ले स्टोर जाके, ज़्यादा टाइम ना लगे तो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, ओके ये रहा गूगल प्ले स्टोर, आपको इस पर टैप करना है। एंड जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर टैप करोगे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टोरेज मैनेजमेंट, ओके या स्टोरेज यूजेस का, जैसे स्टोरेज यूजेस पे आओगे यहाँ पे आपको कैशे क्लियर करना है, ना कि ये डेटा क्लियर करना है, ओके कैशे क्लियर कर दो। कैशे जो होते हैं बग्स ही होते हैं एक तरह के, जो फालतू की फाइल्स आ जाती हैं एप्लीकेशन के साथ, हम इसे क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इसे कर दो बैक, ओके कैशे क्लियर कर दिया हमने ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपको स्टोरेज की परमिशन दी हुई है आपके मोबाइल ने इस प्ले स्टोर को, कि भाई तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसी में रख ले, अगर नहीं दी होगी तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा काम, राइट, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। तो प्ले स्टोर पे परमिशन चेक कर लो, यहाँ पे सब अलाउड है, ओके यहाँ पे स्टोरेज परमिशन यस अलाउ एक्सेस हो गया, तो अलाउ है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ओके एक चीज़ और चेक करनी है यहाँ पे, इसी के साथ साथ गूगल प्ले सर्विसेज पर आपको जाना है, एंड यहाँ पे भी आपको कैशे क्लियर कर देने, स्टोरेज पे जाओ कैशे क्लियर कर दो, ओके अब यहाँ से कर दो बैक, डेटा क्लियर नहीं करना है वरना और दिक्कत आने लगेगी, सिर्फ कैशे क्लियर करने हैं, बैक कर दिया है, ओके ये यहाँ से हमने सारी सेटिंग्स कर ली। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है, ओके हम जाते हैं यहाँ से, ओके ये तो कुछ हो गया है, अलाउ कर देता हूँ मैं इसे, पैक करो, यहाँ पे हमें जाना है प्ले स्टोर पे। अब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड यही थी हम जिस कर रहे थे, इंस्टॉल करके देख लेते हैं, अभी पेंडिंग आ रहा है अभी के लिए, ओके ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, 100% डाउनलोड हो भी गई है एंड इंस्टॉल हो रही है। तो इस तरह आपको ये करना है, आपको पता चल गया होगा, राइट, इतना सिंपल था, अब आपको पता चल गया है ना कैसे करना है, सारे पॉसिबल स्टेप्स मैंने आपको बता दिए ना, इससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस, नहीं हुए तो नो लिख देना, ताकि मुझे पता लग जाए भाई इन चीजों से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, तो इस पर मैं और कुछ अच्छा सॉल्यूशन बता दूंगा, वैसे तो यही सॉल्यूशन है, और भी कोई होगा सॉल्यूशन उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अनुसी के साथ साथ इस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू सो मच।